ब्रिज और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये सिंपल आपको एक लाइन दिख रहा होगा, जो ये हमारा अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट दैट मीन्स कि ये हमारा सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक। हेलो बड़ी, कैसे आप लोग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे एस क्यू ब्रिज का लेआउट, ओके, एस क्यू ब्रिज का लेआउट कैसे करते हैं और उसके बारे में बेसिक डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या होता है एस क्यू ब्रिज और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये सिंपल आपको एक लाइन दिख रहा होगा, जो ये हमारा अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट दैट मीन्स कि ये हमारा सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक है, ये यहाँ पे रेल चलेगा। ठीक है, हमारा सबसे पहले ये चीज़ फिक्स होता है, एस क्यू ब्रिज फिक्स नहीं होता है। सबसे पहले हमारा अलाइनमेंट फिक्स होता है, तो हमने यहाँ पे अलाइनमेंट फिक्स कर दिया। ठीक है, अलाइनमेंट फिक्स हो गया, तो मान के चलिए कि हम यहाँ पे एस क्यू ब्रिज क्यों देते हैं। सबसे पहले तो वो समझिए, अगर मान के चलिए कि ये इसका चैनेज हो गया, मान के चलिए ये 0-0 हो गया, और इसका जो चैनेज हो गया ये मान के चलिए कि 5000 मीटर हो गया, यानी कि 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो हमारा एक रोड, कोई कोई रोड जो होता है वो 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, रेलवे लाइन को। कोई कोई रोड इस तरह से क्रॉस करता है, कोई रोड इस तरह से क्रॉस करता है रेलवे लाइन को। ठीक है, तो अगर इस रोड पे, अगर ये मेरा रोड है, ये भी मेरा रोड है, ये भी मेरा रोड है, तो इस अलाइनमेंट में हमारा ब्रिज बनाना है। ओके, अगर मैं इस पे, इस रोड पे अगर मैं ब्रिज बनाता हूँ, तो मेरा ब्रिज कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, इस तरह से हमारा ब्रिज बनेगा। तो हम इधर से हम व्हीकल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इधर से भी व्हीकल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारा इजीली मूव हो जाएगा। ओके, इजीली हम लोग आके जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एंगल में क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री पे हम लोग ब्रिज बना सकते हैं। ये हमारा अलाइनमेंट के 90 डिग्री पे हमारा ये रोड क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग 90 डिग्री ब्रिज बना सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री में हेवी रेनफोर्समेंट नहीं होता है, बहुत लो रेनफोर्समेंट होता है, लाइट डिजाइन होता है इसका, जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन होता है वो लाइट होता है, बहुत ही ईजी होता है। वही चीज़ें अब यहाँ पर हम आ गए एस क्यू। एस क्यू क्या होता है कि ये देखिए, ये अलाइनमेंट है, ये हमारा रोड है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये ट्रैक पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये मेरा टोटल जो ओवरऑल है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ओवरऑल। अगर मैं इसका बात करता हूँ, तो ये चीज़ आपको मेजर करना होगा। तो ये मान के चलिए कि आपका 45 बना रहा होगा, या 55 बना रहा होगा, ठीक है, या 60 बना रहा होगा। इस तरह से कोई भी जब इसका एंगल मेजर करेंगे, तो यहाँ पे एंगल मेजर कर लेंगे, तो जो भी उसका एंगल डिसाइड होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंगल डिसाइड कर लिए, एंगल डिसाइड करने के बाद हम यहाँ पे अब डिसाइड करेंगे कि हमको इसके ब्रिज देना है। तो अब ब्रिज हम कैसे देंगे, बताते हैं हम आपको। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अदरवाइज आप पूरा स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलेगा, और ब्रिज से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, बीबीए से लेके हर एक चीज़ तक, हमसे आप कमेंट्स में बात कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो हम थे यहाँ पे, ये हमारा अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट में ये हमारा रोड क्रॉस कर रहा है। ठीक है, आप समझिए इसको ध्यान से, ये हमारा रोड क्रॉस कर रहा है। तो हम मान के चलिए कि हमारा, एज्यूम कर लेते हैं, हमारा 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मैं सिंपली मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बनाता हूँ कि ये मेरा अलाइनमेंट हो गया, अलाइनमेंट पर ये रोड मेरा क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो हमारा ट्रैक का जो लेंथ होता है, अभी देखिए डिजाइन करने में क्या होता है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि हमको रेल के लिए जगह कितना चाहिए। रेल के लिए आपको चाहिए 7.850, यानी 7850, टॉप में 7850 चाहिए। तो एस क्यू में क्या होता है, एस क्यू ब्रिज जब होता है, तो एस क्यू में इसका लेंथ बढ़ जाता है। मान के चलिए कि अगर इसका एस क्यू लेंथ कैसे निकालते हैं, वो एक फार्मूला है, फॉर्मूला है कि अगर 7850 हमको रिक्वायर्ड है सीधा में, अगर 90 डिग्री पे अगर हमको 7850 रिक्वायर्ड है, तो 60 डिग्री एंगल पे हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, वो हम निकाल रहे हैं। तो इसको कर लेंगे 7850 डिवाइडेड बाई कॉस, और कितना एंगल ये बना रहा है, एंगल मान चलिए 45 डिग्री बना रहा है, तो 45 डिग्री। तो इस लेंथ का अगर हम एस क्यू एंगल 45 डिग्री निकालते हैं, तो वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। मैं सिंपली आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, 7850 हो गया डिवाइडेड बाई, इसको मैं कॉस करता हूँ 45 डिग्री, ये देखिए कितना आ गया,
अठहत्तर पचास, 7 मीटर 850 भागे कॉस 45, 11 101, ठीक है, 11 मीटर 101 हो गया। तो हमको जितना, अगर हमको 7850 चाहिए था स्टेट में, देखिए ये स्टेट है तो इसको हमको चाहिए 7850, और ये हमारा एसक्यू है 45 डिग्री एसक्यू है, तो यहाँ पे चाहिए 11 मीटर 101, तो 11 मीटर 101 हो जाएगा। पाँच मीटर 550, तो यहाँ से हमको चाहिए 5 मीटर 550, और यहाँ से इधर हमको चाहिए 5 मीटर 550, ठीक है। अब यहाँ से, अब ये जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन यहाँ पे आ रहा है ब्रिज का हमारा जो लेंथ होगा, तो अब हमको यहाँ से चाहिए 5 मीटर 550, और यहाँ से हमको चाहिए 5 मीटर 550, ठीक है। तो हम इसको अगर स्केल से करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, स्केल से मैं आपको करके बताता हूँ। तो हम यहाँ पे एक सादा पेज पे ला दिए हैं, एक बना दिए हैं, अच्छा से दिखेगा इसके लिए, जो मैंने यहाँ पे किया था 5 मीटर 550। तो यहाँ से हम टेप से मेजर कर लेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा, मान चलिए कि यहाँ पे आ गया, सपोज डेट मैं यही मान लेता हूँ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया आपका 5 मीटर 550, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे भी आपको चाहिए 5 मीटर 550, ये चीज़ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस सेंटर लाइन से आपको चाहिए 5 मीटर 550, तो यहाँ से 5 मीटर 550 करके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इस पे जेन्युइन कंटेंट मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा 5 मीटर 550, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एसक्यू ब्रिज, ठीक है, ये एसक्यू ब्रिज हो गया। रोड हमारा क्या है, रोड एसक्यू एंगल है, तो हमारा रोड इस तरह से आएगा और इधर इजीली जैसे निकल जाएगा। ये हमारा सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक हो गया, ये सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक हो गया, और ये हो गया आपका सेंटर लाइन ऑफ रोड। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक, और ये हमारा हो गया सेंटर लाइन ऑफ रोड, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, हमने ये बॉक्स डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये इसमें हम क्या करेंगे कि रोड के, रोड को देख के इस रोड का हम सेंटर निकाल लेंगे, ठीक है। अब लेआउट समझिए, इसका सेंटर, इस रोड का सेंटर निकाल लेंगे। हमारे पास ये अलाइनमेंट तो फिक्स है, हमको इस रोड पर ब्रिज बनाना है, तो हम रोड का पहले सेंटर डिसाइड करेंगे कि हमारा रोड का सेंटर क्या है, ठीक है। हमने एक यहाँ पॉइंट ले लिया, एक इस एंड पॉइंट ले लिया, एक इस एंड पॉइंट ले लिया, इस दोनों से, इस दोनों पॉइंट के थ्रू हम एक यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। एक यहाँ इस लाइन को जो क्रॉस कर रहा है वहीं पे एक पॉइंट बनाएंगे, ये हमने एक पॉइंट बना दिया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि अभी आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से मान के चले कि ये ब्रिज का वेट डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि आप इसका वेट, अगर मान के चले कि विलेज एरिया है, ठीक है, विलेज एरिया है तो आप कम दे सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो आप कितना आपको व्हीकल जाएगा, किस टाइप का व्हीकल जाएगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे इसका वेट देना है। मान के चलिए कि इसका हम वेट दे दिए हैं 90 डिग्री पर, अगर हम बात करते हैं तो 5 मीटर दे दिए हैं, ठीक है। तो 5 मीटर का 45 डिग्री एंगल पर हम निकाल लेते हैं कितना एसक्यू एंगल होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये भी 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 5 मीटर डिवाइडेड बाई कॉस 45, 7 मीटर 071, 071 ये इतना हो गया, ठीक है। तो 5 मीटर का अगर आप 45 डिग्री एसक्यू एंगल निकालते हैं तो 7.011 होता है, ठीक है, इतना मीटर। तो आप यहाँ से 7 मीटर इधर आ सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से, फिर इसी लाइन में आप एक यहाँ पे 7 मीटर पे आ जाते हैं, 7
0.010 मीटर पे आते हैं। तो एक ये पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। जब आपको एक ये पॉइंट मिल गया, आपको ऑलरेडी ये पॉइंट है ही, तो आप यहाँ से एक ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो और इसका इसका जो है, यहाँ से आप इसके थ्रू एक यहाँ पॉइंट बना लेंगे, 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 तो ये आपका लेआउट हो जाएगा। ओके, अगर इसमें कोई दिक्कतें हैं, परेशानी होगी, तो आप हमको बताइए, हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को बंद करते हैं।